शिमला जिले के रामपुर रोहड़ू को जोड़ने वाले प्रमुख संपर्क मार्ग की ब्रांदली से सुंगरी के मध्यम मुरम्मत की मांग जोर पकड़ने लगी है। लोगों का कहना है कि करीब 9 किलोमीटर क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई है, जिससे सड़क तंग होने के साथ खड्डे ही खड्डे बने हैं। लोगों का कहना है कि यह सड़क 1969 में बनी है, लेकिन सड़क आज भी खस्ता हाल में है। इस 9 किलोमीटर मार्ग क्षेत्र में पड़ने वाले 3 गांव शरण, जराशि व थानाधार के लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए पिछले लोकसभा उपचुनाव का भी बहिष्कार किया था। लोगों का आरोप है कि उसके बाद भी विभाग एवं सरकारी स्तर पर अब तक सड़क की सुध नहीं ली गई है। ऐसे में लोगों ने जल्द इस सड़क की ओर ध्यान न देने की सूरत में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मैं पवन नेगी, टैक्सी चालक, जो ये सुंगरी से बाली सुंगरी रोड जो है रामपुर को रोडू से जोड़ता है, तो इसकी बहुत ही हालत बहुत खस्ता है, जबकि हमें पैसेंजर से टैक्स पैसा ज़्यादा वसूलना पड़ता है टैक्सी का किराया, जो कि यहाँ के 3 गांव के लोगों ने लोकसभा का वो चुनाव भी बहिष्कार किया था, उसके बावजूद भी सरकार इसको अनदेखी कर रही है, तो ये ठीक नहीं है। तो ये रोड की बहुत खस्ता हालत है। और मेरा नाम मोहन सिंह वर्मा, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। इस रोड में जो है रोड में गड्ढे होते हैं, पर ये इस रोड में जो है गड्ढे में रोड है। ये अभी अभी आपने सफ़र किया, ये तो पता लग ही रहा होना आपको, हैं जी। हमने इसके विपरीत जो है लोकसभा में बहिष्कार किया, पर काफ़ी मतलब 5-6 महीने बीत गए, सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया इसके बारे में। इसके बाद जो है हम अब उग्र आंदोलन करेंगे, फिर बाकी क्या कह सकते हैं। मेरा नाम चंद्र वर्मा है, मैं यहाँ जैसी गाँव का स्थानीय निवासी हूँ। ये सड़क जो है सन 1969 अक्टूबर 1969 में जो है इसका उद्घाटन हुआ, बन के तैयार हुई है, और उसके बाद ये बनने के लिए तैयार हुई थी। और इसे अभी पिछले 20 साल से इसका जो है हाल खराब है। इसमें ना कोई डंगा होता है, ना कोई टायरिंग है, ना कोई गड्ढा बनता है। सरकार जो है इसमें कुछ भी नहीं काम कर रही है। हमने पिछला भी जो है इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो उसमें भी हमने इसलिए बाइकआउट किया था इलेक्शन से, ताकि सरकार इसकी तरफ कुछ ध्यान दे, परंतु सरकार ने तो उसके बाद भी कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब हमको मजबूरी ये हो रही है कि अगर सरकार इसी सत्र में इसको बजट में ना डाले, इसका प्रबंध ना करे, तो हमको आगे आंदोलन करना पड़ेगा।